हेलो फ्रेंड्स, आपको स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जितेंद्र के वीडियोस में। और आज हम बताने वाले हैं एमएस वर्ड का पार्ट थर्ड पार्ट। ठीक है, तो मैं अभी कंप्यूटर स्क्रीन में हूँ और मैं सर्च बॉक्स में जाके एमएस वर्ड को सर्च कर लेता हूँ, या फिर स्क्रीन में एमएस वर्ड का यहाँ पे फोल्डर है, इसके अंदर एमएस वर्ड का फाइल है, यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ओपन करने के बाद पिछले वीडियो में मैंने होम बटन के बारे में बताया था, आज इंसर्ट बटन के बारे में बताएंगे। तो इंसर्ट बटन में मैं क्लिक कर लिया हूं और यहां जितने सारे बटन दिख रहे हैं ये आपको आगे काम आने वाली है। ठीक है, तो मैं विस्तार से बताता हूं। ठीक है, सबसे पहले इसमें इम्पोर्टेंट है जो बटन है, एड ए टेबल का बटन है। ठीक है, इस पे बटन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि बहुत सारे छोटे छोटे बॉक्स आपको दिखेंगे। ठीक है, सपोज मानिए कि टेबल के बटन में जाते हैं नॉर्मली, और यहाँ पे जब क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पे रो और कॉलम आपको बहुत सारे दिख रहे हैं। ठीक है, अगर हमको दो कॉलम और दो रो चाहिए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे दो इधर से और दो इधर से ले लूँगा। ठीक है, और यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो हमारा दो कॉलम बन गया और दो रो बन गया। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं इसे कंट्रोल जेड कीबोर्ड में करके बैक हो जाता हूँ और दोबारा से मैं यहाँ जाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे इस एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंसर्ट टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बता रहा है नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रो, हमें पांच कॉलम चाहिए और दो रो चाहिए इस पेज के अंदर। ठीक है, या फिर हमें सिक्स कॉलम चाहिए और दो रो चाहिए, या चार रो चाहिए, और हम क्या करेंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे। याद रहे सिक्स कॉलम, ठीक है, और चार रो। देखिए एक दो तीन चार रो हो गया, एक दो तीन चार पांच छह कॉलम हो गया। ठीक है, अगर आपको इससे ज्यादा चाहिए तो आप यहां से ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहां पे आपको दिख रहा होगा ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल पे हम क्लिक करते हैं तो आप यहां देखेंगे कि हमने जो रो और कॉलम को क्रिएट किया है इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं। यहां पे जब हमने ड्रॉ टेबल को क्लिक किया तो एक पेंसिल आ गया मेरे कर्सर पे। इससे क्या करेंगे, जैसे कि हमको यहाँ पे ऐसे बनाना है एक कॉलम, तो यहाँ पे क्लिक कर दिए कि यहाँ बनाना है, तो यहाँ पे क्लिक कर दिए कि यहाँ बनाना है, तो यहाँ पे क्लिक कर दिए और यहाँ बनाना है तो यहाँ पे क्लिक कर दिए। अब इस पेंसिल को हटाना है तो मैं दोबारा से इंसर्ट में जाऊंगा और इस ड्रॉ टेबल पे क्लिक कर दूंगा, हट गया। ठीक है, इसके बाद फिर से इस बटन में क्लिक करता हूं और यहां पे लिखा हुआ है एक नया बटन है। ठीक है, इस बटन पे क्लिक करता हूं। ठीक है, तो क्या होता है। ठीक है, देखिए ये ग्राफ जैसा बन गया। ठीक है, यानी ये एक्सेल सीट वाला जो फॉर्मेट है, एक्सेल सीट वाला जो फॉर्मेट है वो यहाँ पे आ चुका है। इसके अंदर हम टाइप भी कर सकते हैं। नहीं हो रहा है, देखिए हो रहा है, एक मिनट।
इसको बोलते हैं एक्सेल स्प्रेड शीट, यानी वर्ड में हम एक्सेल स्प्रेड शीट को इंसर्ट करा सकते हैं। देखिए यहाँ पे अब टाइप हो रहा है, देखिए ठीक है हो रहा है। इंटर का बटन जब प्रेस करेंगे कीबोर्ड में तो आपको नेक्स्ट कॉलम या नेक्स्ट रो में आपको आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैं बैक चला जाता हूँ, कंट्रोल जेड करता हूँ, ठीक है। ठीक है, मैं फिर से टेबल के बटन में जाता हूँ और यहाँ पे लिखा है क्विक टेबल, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस सारे को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, और क्विक टेबल के बटन पे क्लिक करता हूँ। देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर इस फॉर्मेट को क्लिक करेंगे तो देखिए ये हमारा बना बनाया क्विक टेबल आ गया, ठीक है। इसमें हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं कुछ भी, ठीक है, यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं, इसको भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फिर से मैं जाता हूँ और दूसरे फॉर्मेट को लेता हूँ, इस टाइप वाले, देखिए हम चाहें तो यहाँ भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, बना बनाया मेरा मिल गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज हमने बताया इंसर्ट कॉलम के बारे में, जिसमें से आप रो और कॉलम आप क्रिएट कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन का अपने इस बटन के मदद से, ठीक है। सबसे पहले मैंने बताया रो और कॉलम को कैसे क्रिएट करते हैं, आपको जितना रो और जितना कॉलम चाहिए आप यहां से क्रिएट कर सकते हैं, आप यहां से डायरेक्टली इंसर्ट से कर सकते हैं, ठीक है, आपको जितना रो और कॉलम चाहिए, ठीक है। इसके बाद मैंने बताया एक्सेल स्प्रेडशीट और क्विक टेबल, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर इससे पहले का कोर्स के बारे में जानना है, इससे पहले जो पार्ट में मैंने बताया है होम के बारे में, होम वाले बटन के बारे में, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहां पे मैं लिंक दे रहा हूँ, वहां से आप क्लिक करके आप पूरे वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही था, ओके, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक शेयर भी और कमेंट भी जरूर कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।